अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है एक्स पावर ऑफ वाई अंडर रूट माइनस वाई इज इक्वल टू 65। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स ऑफ एंड वाई इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो एक्स पावर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 65। ठीक है, अब देखो यहां पर एक्स पावर स्क्वायर रूट ऑफ वाई, यहां पर मैं पावर लेता हूं होल पावर ऑफ 2/2, क्योंकि आप जानते हैं कि ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। यानी मतलब यह है कि वही स्टेप बन जाएगा। ठीक है, तो इनको अब हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स पावर स्क्वायर रूट ऑफ वाई होल पावर 1/2 डॉट 2 हम लिख सकते हैं माइनस वाई इज इक्वल टू 65। ठीक है, अब हमारे पास एक लॉ है, वो यह है कि एक्स पावर ए होल पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए एंड बी। इसका मतलब यह है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो यहां पर इस एक्स के ऊपर एक पावर यह है स्क्वायर रूट ऑफ आई एंड दूसरा पावर जो है ये वाला मैं कंसिडर कर लेता हूं 1/2। तो इनको मैं लिख लेता हूं स्क्वायर रूट ऑफ वाई डिवाइड बाई ए 2 कर लेते हैं। ठीक है, जब दोनों पावर प्रोडक्ट हो तो ये दोनों प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट ऑफ वाई बाई 2 हो जाएगा एंड होल पावर ये वाला 2 हो जाएगा माइनस ऑफ, और यहां पर वाई है तो इनको मैं कुछ यू लिख लेता हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल आउट जाएंगे तो वही वाई बन जाएगा इज इक्वल टू 65। ठीक है, अब इनको मैं लेट कर लेता हूं इनको भी और स्क्वायर रूट ऑफ वाई को भी। सो लेट ए इज इक्वल टू एक्स पावर स्क्वायर रूट ऑफ वाई डिवाइड बाय 2, ये हुआ ए के लिए, ये हुआ एक इक्वल, और इनको लेट कर लेते हैं बी की इक्वल। ठीक है, अब इनकी जगह ए एंड बी लगाते हैं। ठीक है, जब इनकी जगह ए लगाएंगे तो ऊपर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस, इनकी जगह बी ऊपर स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 65। अब इनके लिए हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूला है, वो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला यह है कि ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी इज इक्वल टू 65। ठीक है, तो जिस तरह हमने इनको फैक्टराइज कर लिया, ये लिख लिया, अब 65 को भी फैक्टराइज करना होगा। तो देखो 65 के कितने फैक्टर्स बन सकते हैं, एक ये कि 1 क्रॉस 65, दूसरा ये कि 65 क्रॉस 1, और तीसरा ये 13 क्रॉस 5 एंड चौथा 5 क्रॉस 13। ठीक है, तो ये इतने सारे फैक्टर्स जो हैं ये 65 के बन सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं, इनको भी ट्राई कर सकते हैं, इनको भी। तो मैं ये वाला ट्राई कर लेता हूं, क्योंकि यहां पर पहले 13 ग्रेटर है और 5 लेस है, और यहां पर भी कुछ यू ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो जाहिर ही बात है कि ए प्लस बी जो है ये ग्रेटर होगा ए माइनस बी से। तो पहले ग्रेटर है बाद में लेस, यहां पर भी पहले ग्रेटर बाद में लेस, तो मैं इनको चूज कर लेता हूं और 65 की जगह इनको लिख लेता हूं। अब देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू
थर्टीन क्रॉस फाइव। ठीक है, अब ए प्लस बी ग्रेटर है और यहां पर थर्टीन ग्रेटर है, ए माइनस बी, जारी बात है ए एंड बी ये कोई दो नंबर्स हैं, जब उन दो नंबर्स को ऐड कर लें तो ऐड करना ग्रेटर होगा और माइनस करना लेस होगा, तो अब लेस के लिए लेस नंबर है। अब इनको कंपेयर कर लेते हैं, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू थर्टीन एंड दूसरा है ए माइनस बी इज इक्वल टू फाइव। ठीक है, तो इनको नाम देते हैं इक्वेशन वन और इनको इक्वेशन टू। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कि ऐड करने से हमारे पास क्या आ सकता है, तो देखो नेगेटिव बी पॉजिटिव बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा टू ए इज इक्वल टू थर्टीन प्लस फाइव हो जाएगा एटीन। तो यहां पर बोथ साइड डिवाइड बाई टू कर लेते हैं, यहां पर डिवाइड बाई टू, यहां पर डिवाइड बाई टू, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ए हो जाएगा ये कैंसिल आउट नाइन। तो ए की कीमत जो है वो आ गई नाइन। अब यही ए इक्वेशन वन या टू में पुट करके तो हमारे पास बी की कीमत आ जाएगी। अब यहां पर इक्वेशन वन में पुट कर लेते हैं, तो ए की जगह नाइन प्लस बी इज इक्वल टू थर्टीन, सो बी इज इक्वल टू थर्टीन, पॉजिटिव नाइन है इस सर पर जाकर नेगेटिव नाइन हो जाएगा, सो बी इज इक्वल टू थर्टीन माइनस नाइन, तो ये हो जाएगा फोर। सो ये आ गई बी की कीमत बी और ए। अब हमने ए एंड बी की कीमत पुट करनी है, क्योंकि ए एंड बी हम लेट कर चुके हैं, तो यहां पर हम ए एंड बी की कीमत पुट करेंगे, तब हमारे पास एक्स एंड वाई की कीमत आएगी। चलिए अब यहां पर पुट कर लेते हैं। अब देखो ये वैल्यूज है, ए की वैल्यू नाइन, बी की वैल्यू फोर। अब यहां पर ए एंड बी हम लेट कर चुके थे, अब यहां पर इनकी जगह ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो ए की जगह नाइन इज इक्वल टू एक्स पावर स्क्वायर रूट ऑफ वाई डिवाइड बाई टू, और यहां पर बी की जगह फोर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर स्क्वायर लेते हैं बोथ साइड। ठीक है, तो ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट जाएंगे, फोर का स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटीन इज इक्वल टू वाई, तो ये आ गई हमारे पास वाई की कीमत। ठीक है, और नाइन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर, यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ वाई है डिवाइड बाई टू। अब वाई की कीमत हम पुट कर सकते हैं जो कि है सिक्सटीन, तो ये सिक्सटीन का स्क्वायर रूट हो जाएगा डिवाइड बाई टू, सो नाइन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटीन हो जाएगा फोर डिवाइड बाई टू। ठीक है, सो नाइन इज इक्वल टू एक्स टू वन दर टू 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 दर फोर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब नाइन की जगह लिख सकते हैं थ्री पावर टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये बोथ साइड्स ये स्क्वायर कैंसिल आउट जाएंगे, ये हो जाएगा थ्री इज इक्वल टू एक्स। तो देखो ये आ गई हमारे पास x की कीमत और ये y की कीमत 16, सो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत, तो यहां पर मेन प्रॉब्लम में x x एंड y की कीमत पुट करके अगर इनसे 65 आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब पुट कर लेते हैं। अब देखो x इज इक्वल टू थ्री, y इज इक्वल टू सिक्सटीन। अब इन रिजल्ट को हम चेक कर लेते हैं कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत है। तो देखो x की जगह थ्री, स्क्वायर रूट ऑफ y है तो पहले स्क्वायर रूट और y की जगह सिक्सटीन माइनस यहाँ पर y, तो सिक्सटीन इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव, तो थ्री पावर स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटीन हो जाएगा फोर माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव।
थ्री पावर फोर का मतलब है फोर टाइम्स थ्री, इस तरह थ्री क्रॉस थ्री क्रॉस थ्री क्रॉस थ्री माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू 65। तो ये थ्री क्रॉस थ्री नाइन हो जाएगा, ये नाइन माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू 65। ठीक है, तो नाइन क्रॉस नाइन हो जाएगा 81 माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू 65। तो इनको माइनस करके ये हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 65। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट जो है x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 16 ये दोनों रिजल्ट्स 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।